क्लास सिक्स के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन एजुकेशन आपके स्कूल की तरफ से शुरू हो गई है। क्लास सिक्स का सबसे पहला चैप्टर है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। कहने का मतलब है कि भोजन और ये कहां से आती है, ये इसका हिंदी रूपांतर हुआ। हम तमाम बच्चों से आग्रह करेंगे कि वो अविलंब विद्यालय से संपर्क करके अपनी अपनी किताब की व्यवस्था कर लें, और जब भी ये ऑनलाइन क्लास हो कागज पेंसिल कलम के साथ तैयार रहें। सबसे पहले हम ऐसे कुछ शब्द आपको डिफाइन करेंगे जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, उसका मतलब आपको जानना है। साइंस में टर्म्स होते हैं बहुत सारे, इन टर्म्स की मीनिंग, इन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन, इस टर्म्स के विषय में जानकारी हर स्टूडेंट को रखना आवश्यक है। जैसे चैप्टर फर्स्ट में हमें पढ़ना है इंग्रेडिएंट ऑफ फूड आइटम्स, सोर्सेस ऑफ फूड, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर, फूड चैन, इटीसी, ये सब टॉपिक है हमें पढ़ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज फूड, फूड क्या है, भोजन क्या है। तो इसका इजीली डिफिनेशन ऐसे दिया जा सकता है कि फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज नीडेड बाई ऑल लिविंग थिंग्स टू सस्टेन देयर लाइफ एक्टिविटीज, टू गेट इनर्जी, टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फंक्शन। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, इटीसी। सो फूड इज नीडेड बाई ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवों को फूड की जरूरत पड़ती है, और ये फूड वो अपने आसपास के एनवायरमेंट से प्राप्त करते हैं। कुछ दुनिया में ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं, सच एज ग्रीन प्लांट्स, वो मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट सम एनिमल्स आर नॉट एबल टू सिंथेसिस देयर ओन फूड, दे गेट दिस फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स और प्लांट। सो ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, वेयर एज एनिमल्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ। नेक्स्ट टॉपिक, टेल अस इंग्रेडिएंट ऑफ फूड आइटम, मतलब हमारे खाने पीने की चीजों में क्या क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होते हैं फूड आइटम्स के। तो जैसे चपाती की बात की जाए तो चपाती के अंदर क्या इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, आपको भी पता होगा कि चपाती के अंतर्गत व्हीट फ्लोर है, वाटर मिक्सिंग है, ये दो चीज उसके इंग्रेडिएंट हो गए। दाल के अंदर क्या इंग्रेडिएंट हो सकता है, तो दाल है, मसाले हैं, तेल है, नमक है और वाटर है, तो ये पल्सेस के इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। उसी तरह जैसे हलवा का इंग्रेडिएंट क्या हो सकता है, सूजी है, चीनी है, पानी है, घी है, ये सब मिला हुआ है, तो ये उनके इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। और फूड की जरूरत सभी जीवित प्राणियों को होती है, फूड के द्वारा ही सभी जीवित प्राणी के बॉडी का ग्रोथ होता है, उन्हें एनर्जी मिलती है, उनके टूटे फूटे कोशिकाओं और ऊतकों का रिपेयर होता है। इस तरह से फूड हर जीवित प्राणी के लिए जरूरी है। फूड के सोर्स जो होते हैं, सोर्सेस ऑफ फूड,
वो ज्यादातर दो प्रकार के सोर्स होते हैं, प्लांट और एनिमल। यही दो प्रमुख सोर्स है फूड का। प्लांट के अंदर का डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं, रूट भी हो सकता है फूड का सोर्स, स्टेम भी हो सकता है फूड का सोर्स, लीव्स भी हो सकते हैं, फ्लावर भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकता है और उसके सीड भी हो सकते हैं। यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल कैरोट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप आर सम एग्जाम्पल ऑफ रूट। दे आर कॉल्ड रूट ऑफ प्लांट एंड इट इज द एडिबल पार्ट। ये खाने योग्य भाग होते हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, सलगम, ये सब खाने योग्य भाग है। स्टेम के रूप में हम आलू, पोटैटो, ट्यूबर, शुगर केन, जिंजर, ओनियन, ये सब स्टेम पार्ट है प्लांट के, जो खाने योग्य भाग होते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लीफ के रूप में स्पिनेच या और तरह तरह की साग जो है वेजिटेशन, वो लीफ्स के रूप में खाते हैं। फ्लावर के रूप में कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये सब फ्लावर हैं जो खाए जाते हैं। फ्रूट जानते ही हैं, सीड के रूप में सीरियल जितने भी हैं, अनाज, गेहूं, चना, अरहर, मसूर, मटर, मक्का, ये सब बीज है जिसका इस्तेमाल हम लोग सीरियल के रूप में करते हैं, अनाज के रूप में करते हैं। ये सब बेस्ट सोर्स होते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। अदर सोर्स जो है फूड का वो है एनिमल। एनिमल से हम लोग कम से कम दो तीन चीजें अवश्य प्राप्त करते हैं। मीट प्राप्त करते हैं, मिल्क प्राप्त करते हैं, एग प्राप्त करते हैं, हॉनी प्राप्त करते हैं। ये सब हमारे भोजन के कंपोनेंट हैं, भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। फीडिंग हैबिट के आधार पे एनिमल को कुछ ग्रुप में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू सम ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, इंसेक्टिवोरस, सेंग्यूवोरस। प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट फीडिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हर्बीवोरस, सच एज काउ, बफेलो, ऑक्स। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, लाइक लायन, टाइगर। एनिमल हु ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस, जैसा कि हिंदी में नाम है इसका, सर्वाहारी, जैसे कौवा, क्रो, वो एक तरह का ओमनीवोरस जानवर है। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है कीट भक्षी, ऐसे जीव जंतु जो कीट पतंग खाते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा कि कुछ प्लांट भी कीट भक्षी होते हैं। जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करते हैं। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम है ब्लैडरवर्ट, यूट्रिकुलेरिया, टीचर प्लांट, ये सब कीट पतंगों को खाकर अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इंसेक्टिवोरस एनिमल में आपने वाल लिजर्ड को देखा होगा, छिपकली को, मेढक है, फ्रॉग है, ये सब कीट पतंग खाते हैं। और सेंग्यूवोरस में वैसे जीव जंतु आते हैं जो ब्लड फीडर है, जो रक्त पीते हैं, जैसे लीच, मॉस्किटो, बेडबग, ये सब जंतु सेंग्यूवोरस
ये ब्लड भक्षण करते हैं, ब्लड पीते हैं। अगला जो टॉपिक है हमें पढ़ना इस किताब के अंतर्गत, ये सब आपको दिया दिखाया गया है, प्लांट के हम कौन कौन चीज खाते हैं, कहीं रूट है, कहीं स्टेम है, कहीं लीफ है, कहीं फ्लावर है, कहीं फ्रूट है और कहीं सीड है। ये सब हमारे भोजन के अवयव हैं। इन सब का इस्तेमाल हम लोग भोजन के रूप में अति प्राचीन काल से सदियों से करते आ रहे हैं। हनी, जो हनी बी द्वारा हनी कॉम्ब में तैयार किया जाता है, प्लांट के फ्लावर के अंदर स्वीट सेक्रेटिंग सबस्टांस होता है जिसे नेक्टर कहा जाता है। इस नेक्टर से हनी भी स्वीट जूस को कलेक्ट करके अपने हनी कॉम्ब में जमा करता है और उससे वो हनी तैयार करता है। हनी इज बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर, मिनरल एंड विटामिन, एक अच्छा भोज्य पदार्थ माना जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है जो हमें जानना है, स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर। स्कैवेंजर उस जीव जंतु को कहा जाता है जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाया करते हैं। मरे हुए जीव जंतुओं को खाने वाले जानवरों के नाम हो सकते हैं भल्चर यानी गिद्ध, हाइना, ये सब जानवर मरे हुए जानवरों को खाते हैं, वो स्कैवेंजर हो गए। और डीकम्पोजर वैसे सूक्ष्म जीव को कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, जो मरे हुए जानवरों के शरीर को डीकम्पोज कर उन्हें सिंपल सबस्टांस में मॉडिफाइड कर देते हैं और नेचर में लौटा देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, हवा में मिला देते हैं, नेचर को लौटा देते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंगस होते हैं और नेचर में रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट करते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब पदार्थों का चक्रण, मिट्टी में अगर न्यूट्रिएंट ना हो तो आने वाले पौधे का विकास ठीक से नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि नेचर से हम जो प्राप्त करते हैं मरने के बाद उन वस्तुओं को नेचर में हम पुनः लौटा देते हैं। इस काम को करने वाले जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें ही डीकम्पोजर कहा जा सकता है। और डीकम्पोजर के रूप में फंगी, बैक्टीरिया का नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। इस तरह से ये जंतु हमारे सराउंडिंग का क्लीनर है, हमारे इन्वायरमेंट का क्लीनअप करता है, साफ सफाई करता है। ऐसे जीव जंतुओं की भी खासी अहमियत है हमारे वातावरण में, वो नेचुरल क्लीनर कहला सकते हैं। इसके बाद अंतिम टॉपिक के जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है फूड चैन। फूड चैन का हिंदी मतलब होता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का मतलब हुआ कि नेचर में एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, एनर्जी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड of their own with the help of carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight, and this process is called photosynthesis. This food, this food is eaten by some insect and some herbivorous animal, hence
The energy stored in green plant transferred into plant eater insect and herbivorous animal. Herbivorous animal are eaten by carnivorous animal like lion, tiger, and hence this energy transferred into them. So, food chain is called transfer of energy from producer to herbivorous and carnivorous, and this process is called food chain. तो इस प्रकार से ये सारे छोटे छोटे टॉपिक थे इसमें, जिन्हें हम सबको जानना आवश्यक है. इंग्रेडिएंट का सिंपल डिफिनेशन हो सकता है, मटेरियल यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम. न्यूट्रिएंट आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन आवर फूड एंड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है और ये न्यूट्रिएंट उन्हें फूड के द्वारा प्राप्त होता है और फूड प्लांट के द्वारा मिल सकता है, फूड जानवरों से मिल सकते हैं. इसके बाद डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, स्कैवेंजर, ऐसे ऐसे टर्म को मैंने बताया. प्रोड्यूसर आर ऑल ग्रीन प्लांट बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल. दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो अब इतनी बात की जानकारी रखने के बाद इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो सब क्लियर किए जा सकते हैं, वो सभी के सभी सॉल्व किए जा सकते हैं, उन सभी का के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है.